भाजपाइयों ने मनाया जश्न। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिष्ठान वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नगर पालिका सभासद जसोदा शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और आज महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिला को 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती है। इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल महामंत्री कुशाल सिंधाना ने कहा कि मातृशक्ति के लिए भाजपा सरकार द्वारा लाया गया विधेयक महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर कविता देवी ने कहा कि आज भारतवर्ष की महिलाओं में खुशी की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हैं, जिन्होंने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया 33%, तो हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज सभी महिलाओं में, पूरी हमारे भारत देश की महिलाओं में बहुत खुशी की लहर है और हम बस उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा। और वो महिलाओं के लिए आज नहीं, वो हमेशा ही महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आज महिलाओं के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। 33% हमें जो आरक्षण दिया है, सभी महिलाओं में खुशी की लहर है इसमें। और मोदी जी ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया, सबसे पहले तो यही करा, अभी उन्होंने 70 जो है पद पे जो है उन्होंने कई मुद्दे उठाए उन्होंने, जिसमें आधे से ज़्यादा महिलाओं के लिए है। कई चीज़ों के मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाएं उस चीज़ से बड़ी खुशी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाओं का, लड़कियों का, सबका साथ दिया है। इसलिए सभी लोग जो हैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। राणा जी, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर मिष्ठान वितरित किए जा रहे हैं? आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि नई संसद में महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति बंधन विधेयक के नाम से आज पारित हो जाएगा। आज लोकसभा में उसमें चर्चा की जा रही है, राज्यसभा में पहले पारित हो रखा है। अब वो जब वो विधेयक एक कानून बन जाएगा तो संविधान के अनुसार जब भी आरक्षण की बात आएगी, आरक्षण लागू होगा, 33% आरक्षण हमारे बहनों के लिए लागू होगा। उसमें जो सिर्फ बड़े घरों की बहू बेटियाँ ही चुनाव नहीं लड़ेंगी, आम महिला उसमें चुनाव लड़ पाएंगे जब आरक्षित हो जाएंगी। और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो घोषणाएं भाजपा के जब 1980 से घोषणा पत्रों में थी, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे महिला आरक्षण हो, अब समान नागरिक संहिता रहेगी, वो भी हो जाएगा। हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि इसी प्रकार उद्देश्य सेवा करते रहें, जनसेवा करते रहें और अपनी बहनों का, अपने भाइयों का सेवा करते रहें, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।